तीन तलाक पीड़ित न्याय के लिए लगा रही पुलिस कार्यालयों के चक्कर। तलाक पीड़ित सीओ बाबूपुरवा मामले में लापरवाही का लगाया आरोप। सीओ बाबूपुरवा आलोक सिंह के खिलाफ एसपी दक्षिण कार्यालय पहुंची पीड़िता। विवेचक द्वारा चार्जशीट लगाने के बाद भी सीओ द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल न करने का आरोप। एसपी दक्षिण दीपक भूकर ने पीड़िता को जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। क्या नाम है और आज इसकी ऑफिस आई, क्या मामला था? मेरा नाम हिना है। एक साल पहले बाबूपुरवा से मेरी FIR लिखी थी ससुराल वालों के खिलाफ। तीन तलाक का मामला था, दहेज का मामला था। आठों के खिलाफ सबूत थे। विवेचक ने चार्जशीट दाखिल कर दी CO ऑफिस में और CO सर उसको न्यायालय में दाखिल नहीं कर रहे हैं। मैं CO सर के पास गई थी तो CO सर कहने लगे कि उसमें धाराएं कटेंगी, नाम कटेंगे और अभी उसको आगे नहीं भेजेंगे। तो मैं वहां से चली आई। फिर मैं SSP सर के पास आई हूँ CO सर के लिए कि एक साल से मैं परेशान हूँ, सबूतों गवाहों के आधार पर विवेचक ने अपना काम कर दिया तो CO सर क्यों उसको और रोक रहे हैं। क्या सर ने कहा है कि अब तुम्हें दोबारा नहीं आना पड़ेगा, तुम जाओ, जल्द से जल्द तुम्हारी चार्जशीट लग जाएगी। आप किसके खिलाफ? CO सर के खिलाफ। CO सर आगे नहीं बढ़ा रहे। अगर आपके जो आप इसके लिए आए उसकी कार्रवाई ना, तो क्या क्या करेंगे आप? मरी जाएंगे क्योंकि एक साल हो गया हमें भागते भागते, मेरी हालत खराब हो गई। मेरे पापा नहीं है, हम और कहीं अकेले जाते हैं, हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। साल भर हो गया। क्या कोई दवा भी बना? हाँ बिल्कुल, मेरा देवर कहता है तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे। हमने CO सर से उसकी भी कंप्लेन की लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। सब नेता नगरी पैसा चल रहा है सब। सर बाबूपुरवा से तीन तलाक वाला मामला चल रहा था, क्या है प्रकरण पूरा? इसमें बाबूपुरवा थाने में एक FIR दर्ज हुई थी 326/19। इसमें तीन तलाक का भी मामला था और दहेज उत्पीड़न से भी संबंधित था ये मामला, जिसकी विवेचना रेल बाजार थाने से हो रही थी। उसमें विवेचना कंप्लीट करके विवेचक ने CO ऑफिस में वो चार्जशीट सबमिट कर दी है। जल्द ही CO को निर्देशित किया गया है कि उसको कोर्ट में दाखिल करें। लड़के बाबा आरोप लगा रहे कि CO साहब इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, एक साल के ऊपर हो गया इसको। देखिए इसमें विवेचना है वो कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट अभी CO ऑफिस में सबमिट की है। आज उन्होंने यही एप्लीकेशन दी है कि उनकी चार्जशीट अभी कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है, तो मैंने CO को निर्देशित किया है, जल्द ही हम उस चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल करवाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।